नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखते हैं, तो आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, प्रायः हम खाना खाने के बाद खाते हैं पान, जिसको हम लोग मुखवास भी कहते हैं। और दोस्तों, हमें पता है कि पान में जो मसाले डालते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि हमसे कोई पूछ दे तो हम उसे नहीं बता पाते, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं पान में जो मसाले डालते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है पान का पत्ता। दोस्तों, पान का पत्ता को इंग्लिश में बीटल लीफ कहते हैं, BETEL, बीटल, LEAF लीफ, बीटल लीफ। बीटल लीफ मतलब पान का पत्ता। और दोस्तों, पान के पत्ते में लगाते हैं हम लोग चूना, तो चूना को इंग्लिश में लाइम स्टोन कहते हैं, LIME, लाइम, STONE, स्टोन, लाइम स्टोन मतलब चूना। और चूना लगाने के बाद उसमें लगता है कत्था, तो कत्था को इंग्लिश में कटेचू कहते हैं, CATECHU, कटेचू, कटेचू मतलब कत्था। और दोस्तों, उसके बाद डालते हैं उसमें सौंफ, सौंफ को इंग्लिश में कहते हैं फेनल सीड कहते हैं, FENNEL, फेनल, SEEDS सीड, फेनल सीड, फेनल सीड मतलब सौंफ। और दोस्तों, इसको एनी सीड भी कहते हैं, ANISEED, एनी सीड, एनी सीड मतलब भी सौंफ होता है। और दोस्तों, उसके बाद डालते हैं इसमें हम सुपारी, सुपारी को इंग्लिश में बैटल नट कहते हैं, BETEL, बैटल, NUT नट, बैटल नट, बैटल नट मतलब सुपारी। और दोस्तों, इसके बाद इसमें डलता है लौंग, लौंग को इंग्लिश में क्लो कहते हैं, CLOVE, क्लो, क्लो मतलब लौंग। और इसके बाद डलता है इसमें इलायची, इलायची को इंग्लिश में कारडोम कहते हैं, CARDAMOM, कारडोम, कारडोम मतलब इलायची। और दोस्तों, इसके बाद इसमें डलता है गुलकन, गुलकन को इंग्लिश में गुलकन कहते हैं, GULKAND, गुलकन। और दोस्तों, इसके बाद इसमें डलता है चेरी, चेरी को इंग्लिश में चेरी कहते हैं, CHERRY, चेरी, चेरी को चेरी ही कहते हैं। और दोस्तों, उसके बाद इसमें लगाते हैं दंत खोदनी, दंत खोदनी को इंग्लिश में टूथपिक कहते हैं, TOOTH, PICKS, टूथपिक्स, टूथपिक्स मतलब दंत खोदनी। तो दोस्तों, ये था पान में जो मसाले डलते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।